हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरजी नारायण में। मैं कवि आर्य। जैसे कि मैं बताऊँ कि हाई स्कूल का आपका एग्जाम है और इसमें से फिजिक्स का महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और आपका 4 तारीख से एग्जाम भी है इसी चीज़ का। तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक अवतल दर्पण, इससे पहले आप वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैं बताया हूँ कि दर्पण क्या होता है और उसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसकी वो भी बताया हूँ। तो देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा बढ़िया से। ऐसा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए, पहले एक सिस्टम ढंग से, जैसे पेपर में लिखने का एक तरीका होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से और विधिवत लिखे। जैसे कि मतलब, जैसे देखिए सॉल्व दिया है कुछ ऐसे, इंग्लिश में है तो गिवन वन जैसे भी हो, ठीक है। इंग्लिश वाले के लिए तो थोड़ा मैं वो हूँ, लेकिन अब ठीक है, हिंदी से पढ़ा हूँ। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आप वक्रता त्रिज्या करके आर बराबर लिख सकते हैं। मैं केवल वीडियो लंबा न करने के लिए थोड़ा सा संक्षेप में कर रहा हूँ। आर बराबर दे दिया 20 सेंटीमीटर, मान लिया हमने, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर है। लेकिन जब भी अवतल दर्पण की बात होती है, तो मैं इससे पहले वीडियो में बता दिया हूँ कि कैसे होता है, माइनस क्यों होता है, तो आप माइनस रखेंगे, ठीक है। इस अवतल दर्पण के लिए सभी जितने भी मान होते हैं उसके मानक माइनस में ही होते हैं। तो आर वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिया मैंने। उसके बाद कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो क्या कहते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू। तो यू हमने मान लिया, ठीक है ना, कितना दिया 15 सेंटीमीटर लिख लिया। लेकिन चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे इसमें तभी आएगा, ठीक है ना। आर हो गया, यू हो गया, जो दिया है इसमें पूछ क्या रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब यानी पोल से बताए थे प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसे डिनोट करते हैं वी से। तो वी आपको पूछ रहा, ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क है। हाँ, इतना आप लिख लें। तो आप फोकस दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी और वस्तु के बीच की दूरी के पोल से एक संबंध सूत्र होता है जो मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप इसे याद कर लिए होंगे, ठीक है ना, यू है। अब इसी पे क्यों रखना है, फोकस दूरी नहीं दिया है, फोकस दूरी नहीं दिया, तो देखिए यहाँ से देख, एक संबंध सूत्र होता है, यह बराबर होता है आर बाई टू, यह बराबर आर बाई टू, इससे आप निकाल सकते हैं। तो आर का मान कितना है, आर का मान है -20, आप रखेंगे, इसे काटेंगे तो हो जाएगा यह बराबर -10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप मान निकालिए, इस सूत्र को शायद मैं नहीं बताया था, तो आप इसे भी देख लीजिए, यह बराबर आर बाई टू, ठीक है। अब मान रखते हैं -1/10, उसके बाद होगा 1/V, वी का ही मान निकालना है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना। आयु का मान है आपका -15, हम रखते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, पक्षांतर कर रहा हूँ, तो 1/V इक्वल टू 1/15 -1/10। अब 15/10 का लसा लीजिए, तो हमारे ख्याल से 15/10 का लसा 30 आना चाहिए, देख लीजिए, 5 15 5 10 3 2, 3 2 6 5 30 30 आएगा, ठीक है ना, 30। उसके बाद देखिए 15 2 9 30 और 10 3 30, तो V का मान यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, नीचे हो गया थोड़ा सा, तो 1/V इक्वल टू -1/30, ठीक है। तो V का मान आ गया -30 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर। आप इससे भी बेहतर तरीके से वहाँ लिखेंगे, मैं तो थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया हूँ, लेकिन और मैं बताऊँ, दूरी माइनस में नहीं होते हैं, तो कभी कभी आंसर में आप वी बराबर सीधे 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस से बताता है कि दर्पण कौन सा है, जो कि अवतल दर्पण है, तो वी जो मान आएगा, जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी दर्पण से, वो आएगा आपका माइनस में आएगा, और जब वही उत्तर लाता है तो प्लस में आता है, जो कि मैं पहले बता दिया हूँ, केवल उसमें यू, उत्तर दर्पण में यू केवल माइनस में रहता है, बाकी आल पॉजिटिव रहते हैं और इसमें सभी नेगेटिव रहते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जल्दी ही पूरे साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा इस वीडियो पे, इसी चैनल पे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में अपलोड करेगा, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी।